वेलकम टू गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूं। और ये वीडियो स्पेशली मणिपाल जो मेडिकल कॉलेज है, जो जमशेदपुर में है, उसके ऊपर में है। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि जो स्क्रीन में आप इमेज देख रहे हो, वो एक्चुअली में मणिपाल मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप क्या समझोगे या आपको क्या लगेगा? तो आज इसी के ऊपर डिस्कशन है कि क्या ये मणिपाल मेडिकल कॉलेज का ही स्ट्रक्चर है या फिर कुछ और। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस सिलसिले में पूरा ब्रीफ करूंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि क्या है, नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग और मणिपाल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जितना डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो में मणिपाल के बारे में मिलता है, आप पूरे यूट्यूब में खोज लीजिएगा तो इतना डीपली नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं यहाँ का लोकल हूँ और मैं जमशेदपुर में ही रहता हूँ, और मुझे पता है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। और मणिपाल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। और मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी उन्हें देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जो इमेज यहाँ देख रहे हो, जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हो टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज या मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के नाम से, तो आप देखते हो कि जैसे ही आप गूगल में सर्च मारते हो तो पता चलता है कि इसी तरह के ढेर सारे इमेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो एक्चुअली में अगर सही मायने में कहा जाए तो वो टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा, बट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ और इसके बोलने के पीछे रीज़न क्या है और कारण क्या है। तो मैं पूरा बताऊँगा, बस वीडियो में पूरे बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये मणिपाल का स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है मैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख मैंने स्क्रीन में लगाया था, वो जो आपने देखा था, वो एक्चुअली में मणिपाल का स्ट्रक्चर नहीं है। और वो किसी समय में अर्धसिर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, जो टाटा स्टील के सौजन्य से यहाँ पे 1961 से 1962 के बीच में बनाया गया था। और ये जो स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में टीबी हॉस्पिटल के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 से 62 के आसपास, और उसी समय से ये टीबी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, जो जमशेदपुर और झारखंड का पहला टीबी हॉस्पिटल था, जो आप सभी जानते हैं कि टाटा स्टील के सौजन्य से बनाया गया था। और इसमें टाटा स्टील और अर्धसिर दलाल जो है यहाँ पे, तो उन दोनों की कोलैबोरेशन से इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया गया था। और इस हॉस्पिटल जो मेन पर्पस था, वो है टीबी का जो पेशेंट है उनके इलाज के लिए ये मेडिकल या हॉस्पिटल खोला गया था। तो दोस्तों, जब 61 और 62 में इसे ओपन किया गया, उसके बाद 2003 से 4 के बीच इसे टीबी हॉस्पिटल को क्लोज करके इसे टाटा मेन हॉस्पिटल या TMH कहिए, उसका मेडिसिन सेंटर बना दिया गया था या फिर उसका मेडिकल बना दिया गया था यहाँ पे। यानी कि अब ये हॉस्पिटल ना रह के एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में इसे जाना जाने लगा। और उसके बाद 2020 में इस मेडिकल सर्विस को बंद करके, जो TMH के मेडिकल को बंद करके, 2020 में इसे टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया गया।
और जो आप स्ट्रक्चर जिससे मैंने दिखाया वो एक्चुअली में किसी समय टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो हॉस्पिटल के रूप में बनाया गया था। और जब इसे मणिपाल के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी कि टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के रूप में स्टार्ट किया गया, तो क्लासेस यहीं पर स्टार्ट किया गया था। और जो मणिपाल का मेन बिल्डिंग है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये उसका मेन बिल्डिंग है, जो अभी एक बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है और दो बिल्डिंग अभी प्रोग्रेस में है, वो कुछ दिन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेन बिल्डिंग ये है उसका, और जो क्लासेस चल रहे हैं अभी फ़िलहाल टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज में दो ही बैच चल रहे हैं, एक 2020 का और 2021 का अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिनों के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब 21 का स्टार्ट होगा तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो इसी बिल्डिंग में होगा, और इसका क्लासेस काफ़ी अच्छा बनाया गया है, और मैं किसी दिन दिखाऊंगा अपने वीडियो में कि इसका क्लासेस कैसा है नहीं है। और मैंने कुछ क्लासेस जो कंप्लीट हुए थे उन्हें मैंने पिछले दो तीन वीडियो में मैंने दिखाया था कि इस तरह से मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का जो क्लासरूम है, लैब है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है। तो मैं इस बिल्डिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो क्लासेस है नेक्स्ट बैच का 2021 बैच का वो इन्हीं बिल्डिंगों में चलने वाला है। और ये बिल्डिंग में करीब 150x150 का अगर देखा जाए तो क्लासरूम है, और काफ़ी अच्छा क्लासरूम है इसका, फुल्ली एसी। और दो बिल्डिंग है, हालांकि तीन बिल्डिंग बन रहे हैं जिसमें से एक बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है और क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाला है उसमें, और जो दो बिल्डिंग है उसमें क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि तीन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है और एक बिल्डिंग कंप्लीट होने वाला है, और एक जो लास्ट वाला बिल्डिंग है वो कुछ दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जैसे ही वो बिल्डिंग कंप्लीट होता है तो मैं उसका भी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में और भी बोलना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं और उन लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, पहला कन्फ्यूज़न ये है कि कॉलेज कैसा है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है, और टाटा और मणिपाल दोनों के कोलैबोरेशन से ये मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है, जिसमें से अगर देखा जाए तो मणिपाल एक कर्नाटक की जो एजुकेशन संस्था है वहाँ की है, और टाटा है जो यहाँ पे टाटा की ज़मीन है और यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है वो टाटा के अंतर्गत ही किया जा रहा है। और जितना भी आपको ये पता होगा कि टाटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कॉलेज कैसा है नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। और क्योंकि पहला बात तो है कि इसमें टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, और जिस चीज़ में टाटा का नाम जुड़ा हुआ रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है, चाहे वो एजुकेशन से हो या किसी और फील्ड में। अगर मैं टाटा स्टील के बारे में बात करूँगा तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि टाटा का जो मेन मोटिव है वो बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है, यानी कि केवल पब्लिक सेक्टर में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मणिपाल मेडिकल कॉलेज या टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज किस तरह से है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, आप बेझिझक इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि ये कॉलेज अन्य कॉलेजों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो इसमें सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें 150 के करीब जो सीट्स है, जिसमें से 25 सीट्स झारखंड के लोगों के लिए है, यानी कि झारखंड रेसिडेंस जिन लोगों के पास है उनके लिए रिजर्व है, और जो 125 सीट है वो अन्य लोगों के लिए रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको
इससे जुड़ी हुई मणिपाल मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई या टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी जरूर से करूंगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, चाहे स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने दिखाई दिया कि कैसा है और मैंने हॉस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हो और मेरे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे इसमें, जिसमें से अभी न्यू हॉस्टल कंप्लीट है उसका भी वीडियो मैं डालूँगा और कुछ और हॉस्टल भी बनने वाले हैं उनका भी वीडियो मैं डालूँगा। तो मेरे वीडियो में पूरे बने रहिए और अगर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पता चला कि मैंने वीडियो अपलोड किया और आप देख नहीं पाओ तो इस कॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास अधूरी पहुंचेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा, और ऐसा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मेडिकल कॉलेज जो टाटा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।